हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साइमा चिकन। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये 1/2 kg चिकन। इसको मैंने साफ करके अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। इसके अलावा मैंने ये लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, इसको भी मैंने अच्छे से काट लिया है। और मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, ये मैंने लिया है जावित्री, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, बड़ी इलायची है, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज। इसमें हरी मिर्च को आप चाहे तो पीस सकते हैं या इसमें काट के भी डाल सकते हैं। दालचीनी और तेज़पत्ता को छोड़ के बाकी पीस लेंगे। अब लिया मैंने एक फ्राई पैन, इसमें मैं डालूँगी ऑयल और इसको गर्म होने देते हैं। अब ये देखिए गर्म हो चुका है, इसमें ये तेज़पत्ता और दालचीनी डाल देंगे और जो मैंने ये काट के प्याज रखा था इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे और बराबर इसको चला के अच्छे से भूनेंगे। अभी से ही बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। ये देखिए लगभग ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 teaspoon नमक। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1/2 teaspoon हल्दी भी डाल देंगे। और मैंने जो मसाला पीस के रखा हुआ था वो मसाला भी अब इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला है, आप चाहें तो बाउल को खंगाल के थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक देंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो इसमें काफ़ी पानी रिलीज हो चुका है, चिकन से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। और ये मैंने हरी मिर्च इसमें काट के डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसको मसाले के साथ भी पीस सकते हैं, वैसे मुझे ऐसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसको फिर से ढक देंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसको फिर से देखती हूँ तो देखिए इसमें जितना भी पानी रिलीज था ये तकरीबन जल चुका है। तो एक बार इसको फिर से चला के दोबारा से इसको ढक देंगे और फिर से 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब मैं देखिए फिर से 5 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हुआ था वो सारा तकरीबन जल चुका है, सिर्फ इसमें मसाला है। तो इसको अच्छी तरीके से चला के इसको भूनेंगे और फ्लेम जो है स्टार्टिंग से ही आपको मीडियम पे रखना है। ये देखिए मैंने ये धनिया पत्ती काट के रखी हुई थी, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब ये काफ़ी देखने में अच्छा लगने लगा है। तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे चला के हम इसको भूनते रहेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो इसमें ना रहे, अच्छी तरीके से ये भून जाए। अब ये देखिए लगभग रेडी हो चुका है बनके और अच्छे से ये भून चुका है। तो फ्लेम कर देते हैं बंद। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।